ज्योति फौजदार जी सर, ऑन करिए वीडियो। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक है, और दीपक जी, ज्योति जी आप भरतपुर की हो? जी सर। आप, हेलो, मेरी आवाज? जी सर, जी सर अभी अभी नहीं आ रही सर। इसको मेरे हमारे यहाँ से क्लियर है, आपके वहाँ क्लियर नहीं आ रही आवाज? जी सर अभी ठीक है। ठीक है, अच्छा, आप भरतपुर की हो ज्योति जी? जी सर, भरतपुर के बारे में बताइए कुछ। जी सर, अगर इतिहास से स्टार्ट करें तो सर 1733 में महाराजा बदन सिंह ने भरतपुर की स्थापना की थी, और मतलब स्थापना की थी, उसके बाद महाराजा सूरजमल ने इसको, इसकी स्थापना को आगे बढ़ाया था, यहाँ भरतपुर के किले का निर्माण कराया था, और इतिहास में यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं, और अगर इतिहास की जो सबसे भरतपुर से जुड़ी हुई बात है वो है खानवा का युद्ध, अब वो भी भरतपुर में ही है, और अगर पॉपुलेशन या भौगोलिक स्थिति, कौन सा युद्ध बता रहे हो? जी सर खानवा का युद्ध, ओके, कब हुआ खानवा का युद्ध? जी सर मार्च 1527। बताइए खानवा के युद्ध के बारे में बताइए। जी सर मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में मराठा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था सर। अच्छा ठीक है, और ये बताइए कि भरतपुर रियासत का जो पत्थर उद्योग है जी सर, वो बड़ा प्रसिद्ध है, कारण क्या है? जी सर भरतपुर का जो बंसी पाठपुर का पत्थर उद्योग है सर, वो गुलाबी रंग का है, तो आपकी आवाज कम आ रही है ज्योति। और वो अभी ठीक है सर? हाँ थोड़ा सा इसको आगे रखिए। हेलो, हाँ बताइए। जी सर भरतपुर का जो बंसी पाठपुर का पत्थर है सर, एक तो उसका रंग गुलाबी है और सेकंड सर वो सॉफ्ट है, तो इस वजह से फेमस है सर। एक और उद्योग प्रसिद्ध है वहां का? जी सर, अगर जी सर सरसों के लिए खाद्य तेल है इंजन मार्ग। अच्छा, ये वनस्पति घी क्यों प्रसिद्ध है वहां का? जी सर वनस्पति घी फेमस है, क्यों है ये सर, इस बारे में नॉलेज दें। अच्छा, आप बता सकते हो कैसे बनता है वनस्पति घी? सॉरी सर इस बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, चलिए, भरतपुर दुर्ग को क्यों क्या कहा जाता है? जी सर भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ कहा जाता है, कारण? सर लोहागढ़ जिस तरह से लोहा मजबूत होता है उसी तरह से भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वो अजय है, उसको किसी के द्वारा जीता नहीं है, इसलिए मजबूती के लिए उसको लोहागढ़ बोले। किसने बनवाया था ये? हाँ जी सर महाराजा सूरजमल ने, शुरुआत बदन सिंह जी ने की थी लेकिन कंप्लीट महाराजा सूरजमल ने किया। अच्छा, ये अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? जी सर ये महाराजा रणजीत सिंह के समय पर किया था, और जसवंत राव होलकर जो मराठा सेनापति था उसके बीच आए थे, और महाराजा जसवंत सिंह ने उनको शरण दी थी, तो 1803-4 के समथिंग ये आक्रमण हुआ था सर। मतलब आप कंफर्म नहीं है? अच्छा जी सर कंफर्म, कई बार आक्रमण हुआ था तो इस वजह से। ओके, ये जी सर आक्रमण हुआ था अंग्रेजों का, इसमें ये सफल रहे कि असफल रहे थे? जी सर जनश्रुतियों में सुना जाता है कि असफल रहे थे, और इसके लिए उक्ति भी चलती है यहाँ पर। क्या उक्ति बताइए? सर एक सेकंड का टाइम जी, जी
दो फरंगी नौ गोरा लड़े जाट के दो छोरा। क्या मतलब इसका? सर इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज सेनापति जो थे वो संख्या में ज्यादा थे, जबकि उनके लिए हमारे जाटों के सिर्फ दो ही थे, दुर्जनसाल और उनका दूसरे का सरनाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा उन्होंने लड़ाई की थी सर। ओके। अच्छा ये ब्रज महोत्सव होता है आपके वहां, जी सर। बताएं। जी सर, ब्रज महोत्सव हमारी जैसे कि संस्कृति है, ब्रज संस्कृति कृष्ण लीलाओं से जुड़ी हुई है, तो उस इस संस्कृति को सुचारू रखने के लिए ब्रज महोत्सव किया जाता है, डीग में होता है सर, और इस पर डीग के महलों में फुहारे प्रदर्शन भी किया जाता कब होता है ब्रज महोत्सव? है। जी सर, सर इस बारे में अच्छा सर अनुमान कर सकते हैं। बताइए, अनुमान करिए। जी ये राइट आंसर है आपका। अच्छा गोकुला नाम आता है एक आपके वहां पे, गोकुला सर, कौन है गोकुला? जी सर, जाटों के सरदार थे, गोकुलासी मथा के पास तिब्बत गांव के रहने वाले थे, और इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ जो धार्मिक नीति थी। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अभी आ रही है, एक वीडियो ऑन करिए आपका। मिनट सर, ऑन है वीडियो। इधर दिखाई नहीं दे रहे हो आप, ये वीडियो नजर नहीं आ रहा है। देखो वन मिनट उधर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अब हो गया, अब आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी बताएं, गोकुला के बारे में बता रहे थे आप। जी सर, जाट सरदार थे गोकुलासी, और मथुरा के पास तिलपत गांव के रहने वाले थे, और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जो मंदिरों को तोड़ना, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, क्या औरंगजेब के खिलाफ सर। मथुरा से कोई संबंध था गोकुला का? जी सर, मथुरा के पास ही इनका गांव था, और ये एक संगठन के सरदार थे सर। ओके, तो आपको लगता है कि भरतपुर के जाटों का संबंध मथुरा के जाटों से? ऐसा हो सकता है सर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये एक प्रॉपर जाट के लिए हो सकता है, भू क्षेत्र के लिए नहीं माना जा सकता। ओके अच्छा, आपने कांट पढ़ा है मेंस में? कांट, जी सर, पढ़ा तो है, लेकिन अभी उस बारे में नॉलेज नहीं। ठीक है, आप बता सकते हो कांट का नैतिक सिद्धांत क्या है? सॉरी सर, ओके अच्छा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये बताएं कि गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है? स्वधर्म जी सर, जो हमारे कर्तव्य हैं, जैसे कि अगर हम बालावस्था में तो अध्ययन करना हमारा, गृहस्थ में तो हमारे दो ग्रह के जो पांच यज्ञ हैं, और जो ऋण है इनको पूर्ति करना, और जो हमारे जो आश्रम में उनके अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का पालन पालन करना ही स्वधर्म है। जी ओके। एक शब्द और आता है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ क्या है? सर, इस बारे में नॉलेज तो थी, पर अभी मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अच्छा आप बता सकते हैं गांधी का सत्याग्रह क्या है? जी सर, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यानी जी सर, इसकी क्रियाविधि क्या थी, कैसे करते थे? सॉरी सर, इसमें नॉलेज नहीं। ओके
उपयोगितावाद पढ़ा है आपने? उपयोगितावाद जी सर पढ़ा है, अभी बता पाएंगे? कर पाऊंगी। ओके ठीक है जी। जी राजेश सर। जी सर। ज्योति जी सुन पा रहे हैं? जी सर। चित्रकला आपके विषय रहा है, सुन पा रहे हैं ज्योति जी? सर ज्योति जी नजर आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सर उनकी। हाँ वो आ गई है ज्योति जी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। थोड़ी आवाज कम आ रही है ज्योति जी की। ज्योति जी सुन पा रहे हैं? जी सर। चित्रकला आपके विषय रहा है 12th में, ये बताइए कला किसे कहते हैं? जी सर। जो मनुष्य के जो मन के जो भाव होते हैं, उद्गार होते हैं और जो विचार होते हैं, उनको उनकी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से की जाए, उसे सर कला बोला जाता है। वो नृत्य कला हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, या और कोई भी कला हो सकती है, संगीत कला कह सकते हो। अच्छा चित्रकला किसे कहेंगे फिर? हाँ जी सर। जो किसी भी व्यक्ति के जो मन के भाव हैं या विचार हैं, उनको किसी भी पृष्ठभूमि पर उकेरना, जैसे कलर कलर से उनको उकेरना, चित्रकला कहना। कितनी पुरानी है चित्रकला? जी सर। चित्रकला को हम इतिहास में देखें तो सर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और अगर उससे भी पहले देखें तो सर प्रातात्विक काल में भीमबेटका में हमें भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं, और उसके बाद सर गुप्त काल में जो गुफाएं हैं अजंता की, और उसके बाद सर समय समय पर इसके प्रमाण मिलते रहते हैं। अच्छा राजस्थान में कहाँ चित्रित प्रमाण मिले हैं सबसे पुराने? जी सर राजस्थान में सर बैराठ में मिले हैं सर, और सर अभी मैं बैराठ याद कर पा रही हूँ। जी सर झालावाड़ के पास कुछ गुफाएं हैं, वहां पर भी मिले हैं सर। वेरी गुड। अच्छा ये नीति आयोग क्या है बताइए? जी सर योजना आयोग की इस जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है, रिप्लेसमेंट किया गया है, और ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको भारत का थिंक टैंक भी बोला जाता है। यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अच्छा अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? जी सर प्रधानमंत्री जी। अच्छा और उपाध्यक्ष कौन है अभी? जी सर अभिताम कांत जी। अच्छा ये बताइए मसूद अजहर कौन है? जी सर सॉरी सर मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए क्लियर नहीं आ रही आप क्या? एक आतंकवादी संगठन से ये संबंध रखता है, आतंकवादी है, उस आतंकवादी संगठन का नाम बता सकते हैं आप? जी सर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जवाब, ऐसे कुछ करके इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है अभी। बिल्कुल गलत दिशा में मोड़ रहे हैं इस प्रश्न को। चलिए बताइए मसूद अजहर या भारत में कोई ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान का हाथ हो? जी सर 26/11 का हुआ था सर मई में। मैं अभी पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। जी सर नागरोटा सॉरी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अभी एक तूफान आ रहा है बंगाल की खाड़ी में,
इसका नाम बता सकते हैं? चक्रवात। सॉरी सर, चलिए ठीक है जी। लगे जी ठीक है। ललित सर जी। जी सर जी। उपाध्याय सर। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन बोल रही है? जी सर ज्योति। ज्योति। अच्छा ज्योति जी, आपका मैं एक मिनट देख लूं। ज्योति हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इतिहास में किया है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योति आप मुझे बताएंगी कि आर्य किसे कहते हैं? जी सर, आर्य एक विशेषण है जो वैदिक काल में, जो आर्य जो शब्द है जो श्रेष्ठ के लिए लिया जाता है। क्या? तो ये आर्य भारत के थे, बाहर से आए थे? जी सर, आर्यों के आने पर सर विद्वान में मतभेद है, कुछ भारत के बोलते हैं, कुछ उत्तरी ध्रुव के बोलते हैं, कुछ मध्य एशिया के बोलते हैं। तो ये तो पुरानी हो गई, आपने स्कूल एनसीईआरटी इसमें बोर्ड की किताबों में पढ़ा होगा, ये तो पुराने हो गए अब, ये सिद्धांत तो पुराने हो गए अब। जी सर। ये सिद्धांत तो पुराने हो गए अब। जी सर, जो जी सर ऐसा माना जाता है जो मैक्स मूलर जी ने दिया था सिद्धांत मध्य मध्य एशिया से आए थे सर, माने मत जो है। अभी ये कहते हैं कि ये तो भारत के मूल निवासी थे। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी के बारे में जानकारी हुई आपको? जी सर। सरस्वती नदी के बारे में जानकारी है कुछ? जी सर, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पूजनीय माना गया है। और क्या शब्द यूज किए गए उसके लिए? और तो अभी सरस्वती सर नहीं, नदी तमे, देवी तमे, अंबी तमे, ये शब्द किसके लिए यूज किए हैं? जी सर, सरस्वती नदी के लिए किए गए। तो अब ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी के बारे में जानकारी मिल गई, तो पिछले 10-12 सालों से अब तो ये चेंज हो गया कि आर्य भारत के निवासी थे। जी सर, सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है उसकी खोज की जा रही है, और ऐसा माना भी जाता है कि आर्य भारतीय ही थे, लेकिन सर्वमान्य तथ्य मध्य एशिया का मैक्स मूलर जी का ही माना जाता है। अच्छा चलिए, आपने हिस्ट्री में एमए किया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब सिंधु नदी या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधु सभ्यता जिसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहते थे, अब उसको किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सर, सिंधु सभ्यता कौन से घाटी सभ्यता? सिंधु सभ्यता जिसे आजकल सारस्वत सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, किस काल की सभ्यता है? ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है? जी सर, आद्य प्रागैतिहासिक काल की। नहीं, आप आद्य काल नहीं माना जाता, कितने प्रागैतिहासिक काल के बाद कितने काल हुए हैं, कितने युग माने जाते हैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर कितने युग माने गए हैं? सर, प्रागैतिहासिक काल, आद्यतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रस्तर युग और ताम्र युग और ये नहीं पढ़ा आपने? ताम्र पाषाण युग और कांस्य युग ये नहीं पढ़ा? ये सर, तो पढ़ी सर, नहीं। ये दूसरा वर्गीकरण है जिसमें पाषाण जी सर, ताम्र पाषाण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, पैलियोलिथिक एज माना जाता है। ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक पूर्व वैदिक सभ्यता
इन दोनों में क्या अंतर है? जी सर, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और जो अभी पठनीय नहीं है, पढ़ा नहीं गया है उसको, जबकि पूर्व वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसमें उसमें जो और बताइए प्राचीन वैदिक बताइए। जी सर, और जी सर जो वो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सर शहरी सभ्यता थी, जबकि पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी सर, और सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जबकि पूर्व वैदिक कालीन एक कृषि पशुपालन प्रधान सभ्यता मानी जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता समानांतर विकसित हुई सभ्यताएं थी? जी सर, हम इसको कहने से ऐसे मान सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन पर पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का उदय हुआ, संक्रमण काल मान सकते हैं। चलिए, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जगन्नाथपुरी का मंदिर फेमस है ना पुरी में? जी सर, सर इस बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जी सर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई थी सर। कितने वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा? जी सर, 15 वर्षों के लिए सर। बहुत अच्छा। ये कलकत्ता का फोर्ट विलियम किसने बनाया था और कब बनाया था? जी सर, जॉब चार्नक के द्वारा बनाया गया था। कौन से सन में? जी सर, चलिए कोई बात नहीं। एक स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको, आप तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए? जी सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? और सर मेरे जी सर पक्ष में तर्क है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसकी स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए गई थी, कई हद तक वो सफल भी हुई है, और इसका परिणाम हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नहीं बनी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या विचार है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने कहा? जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है उसमें समय के साथ सुधार किया जाना चाहिए, और हम इस प्रयास में भी हैं कि हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे यह बताएं कि आपके व्यक्तित्व में ऐसे क्या दो सकारात्मक गुण हैं कि आपको RS अधिकारी बनाया जाए? हाँ जी सर, सर मैं संवेदनशील हूँ, महिला हूँ तो मैं संवेदनशील हूँ, और सर मुझ में नेतृत्व और निर्णय क्षमता है। संवेदनशीलता कई बार प्रशासनिक अधिकारी के लिए नेगेटिव नकारात्मक गुण हो जाता है। क्या एक RS अधिकारी को संवेदनशील ही होना चाहिए? जी सर, संस्कृत में श्लोक चलता है कि अति सर्वत्र वर्जित है, अति नहीं होनी चाहिए सर। जो सिविल सर्वेंट है उसमें संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि अगर संवेदनशील नहीं होगा तो सर वो निम्न तबके के वर्ग है, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा, तो एक लेवल तक संवेदनशील होना चाहिए। आखिरी सवाल है जी सर, अभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान में कितने जिला परिषद सदस्य और कितने पंचायत समिति सदस्य हैं, चुने जाने हैं? जी सर, जो जिला परिषद सदस्य हैं सर टोटल अभी 21 जिला परिषद सदस्यों का इलेक्शन पहले चरण में हुआ है, पूरे कितने हैं 33 जिलों के? जी सर, 34 सर। कुल कितने हैं सदस्य और पंचायत समिति सर जिला परिषद? ये ध्यान नहीं है, सॉरी सर, इस बारे में आपको ध्यान नहीं है, है ना? चलो कोई बात नहीं। जिला परिषद का संगठन कैसे होता है, गठन ऑर्गेनाइजेशन? जी सर, जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और उन परिषद जो पार्षद होते हैं जो इलेक्ट होते हैं उनके द्वारा सर अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद जो जिला प्रमुख होता है उसका निर्वाचन किया जाता है। गठन कैसे होता है, कौन कौन होते हैं उसमें? सबसे छोटे नीचे सदस्य होता है, उसके ऊपर कौन होते हैं? सॉरी सर, इस बारे में नॉलेज नहीं। कोई पदेन सदस्य भी होते हैं क्या?
जी सर, मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ जो विधानसभा जो सदस्य होते हैं एमएलए और कौन पदेन सदस्य होते हैं जी सर, उस क्षेत्र के जो सांसद अगर हैं वहाँ लोकसभा क्षेत्र है तो वो सर वो। और सर सभी पार्षद सदस्य होते हैं इसमें। चलिए धन्यवाद। जिला प्रमुख होते हैं सर। थैंक यू सर। ज्योति जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर नमस्ते सर। जी नमस्ते ज्योति, टीचर हैं आप? अच्छा अच्छा। हमारे देश में बच्चियों महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं घटने की जगह, जबकि कानून भी बहुत सारे बना लिए हमने और लीगल एफर्ट कर लिए। आप कुछ हमें इनोवेटिव सुझाव दीजिए जो अपने स्कूल में भी आप बच्चे बच्चियों को सिखाएंगे और जो होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें बताइए कुछ आप। जी सर, मैं मानती हूँ अपराधों के पीछे कमी अवेयरनेस की है, तो मैं इसके लिए लाना चाहूँ जैसे कि सी बॉक्स है, सी बॉक्स में महिलाओं के लिए वो अपना बोल सकते हैं जो भी उनके साथ हुआ है, ऐसे ही जो बाल विवाह है स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो उसके लिए सर मैं मैरिज बॉक्स इनोवेट करना चाहूंगी सी बॉक्स की तरह। सर सेकंड यह है कि गाँव में ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र है वहाँ पर महिलाओं या बालकों के विकास के लिए अवेयरनेस के लिए जैसे कि कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि अभी आवास कार्यक्रम चलाया गया है, तो ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे उनमें अपने जोन के लिए कानून बनाए गए हैं या जोन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा योजना है उनके प्रति वो जागरूक हो सके। और सर थर्ड मेरा जो स्टेप है वो रहेगा सर कि जो स्कूलों में जो आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, प्रेयर में जैसे कि प्रेयर की जाती है तो उसमें 10 मिनट सेल्फ डिफेंस के लिए भी रखा जाए। सर मेरा फोर्थ रहेगा कि अगर कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में जो विशेष पर्सनैलिटी है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में कोई लड़की हो या फिर कोई सिविल सर्वेंट हो या फिर और कोई ऐसे उच्च स्तर पर पहुंची हो तो उसको एक प्रतीक के रूप में वहां पर उसके साथ एक समिति गठित की जाए और उसके लिए एनजीओ से उसको जोड़ा जाए और इस क्षेत्र में सरकार के लिए प्रेरित किया जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिहार की उप मुख्यमंत्री एक महिला बनी है अभी, क्या नाम है उनका? सर रेणुका जी, रेणु कुमारी। रेणु कुमारी जी सर, मैं अभी यही रिकॉल कर पा रही हूँ। किस किस राजनीतिक दल से एमएलए बनी है वो? सॉरी सर राजनीतिक दल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। किस पार्टी की सरकार बनी है बिहार में? हाँ जी सर, बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है सर और एनडीए सरकार सर। एनडीए सरकार है उसमें, लेकिन ये नहीं पता आपको कि वो मुख्यमंत्री किस पार्टी की है? चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे, मेरा प्रश्न उनका नाम जानना या पार्टी जानना है भी नहीं, उप मुख्यमंत्री बनी है बिहार में महिला, तो क्या आपको लगता है कि इससे वीमेन एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी हमें? हाँ जी सर जरूर मिलेगी, एक महिला अगर उच्च पद पर पहुंचती है तो वो अपनी परिस्थिति अपने आसपास जो देखती है तो उसके लिए जरूर सरकार करेगी। नहीं, हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, हमने बहुत सोचा था कि कुछ ऐसा होगा लेकिन 5 साल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी 10 साल, तब हमें लगा कि वीमेन रिजर्वेशन ही हो जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जी सर हम ऐसा मानते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम ये भी मान सकते हैं कि एक महिला अगर देश की राष्ट्रपति बनती है या फिर एक महिला किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो इसका मतलब ये कि महिला आगे बढ़ सकती है अगर हम प्रयास किया जाए, तो ये मोटिवेट हम मान सकते हैं इस चीज को। और अगर जैसे कि अगर हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं, नेट का इशू है, आपकी तरफ से नेट का इशू है क्या? जी सर अभी आवाज आ रही है आपकी? हेलो नहीं, इधर तो आवाज आ रही है सर। नहीं आपकी जी नहीं, यहाँ आ रही है सर। अच्छा आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, उनका वीडियो ना फंस रहा है, कुछ भी मैं सुन नहीं पाया वो जो बोले हैं। मेरे यहाँ तो नेट पूरा शोर है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ललित जी? जी आ रही है सर, दोनों की आ रही है। अच्छा एक बार ज्योति फिर से बताएं, वो पता नहीं क्यों आपका वीडियो फंस गया था। हाँ जी सर, जी सर मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी।
कि जो किसी भी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे आपने बोला था सोनिया गांधी जी हैं या हमारे देश के राष्ट्रपति विद्या पाटिल जी हैं, तो इससे महिलाओं को मोटिवेट मिलेगा कि ये महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, देश का नेतृत्व कर सकती हैं। तो मैं मानती हूँ कि डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट भी मैं महिलाओं के लिए ये बढ़ोतरी हुई है उनके लिए। पता नहीं, मैं कुछ भी सुन नहीं पाया, फिर आपका वीडियो एकदम वो कट जा रहा है, पॉज हो जा रहा है जी। तो उधर से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है सर आपके वहां से? अच्छा, मेरी तरफ से कुछ, मैं चलिए मैं चेंज करता हूँ नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क पे चलता हूँ जी सर। इधर तो क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं चलिए अपना नेट दूसरा चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ। चले ज्योति जी, आ रही आवाज जी सर आपके? अच्छा, चलिए मैंने नेट चेंज किया, दूसरा नेट लगाया मैंने, देखता हूँ आप। चलिए तो बेबी रानी मौर्य का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है। कौन है ये? नहीं सुना नाम आप लोगों का? उत्तरा जी सर सुना है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की सर राज्यपाल है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर में चर्चा है उनकी, अभी कल न्यूज़पेपर में थी, उनसे जुड़ी हुई न्यूज़। क्या इशू हो गया है? जी सर, उनका स्वास्थ्य खराब है सर। स्वास्थ्य खराब है उनका, वेरी गुड। अनुसुईया उइके का नाम सुना होगा फिर आपने जरूर? जी सर सुना है। अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर वही उसी प्रश्न पे आऊंगा, मैं थोड़ा चेंज करके, कि बताइए उत्तराखंड की राज्यपाल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महिलाएं हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, लेकिन कोई हमारे पास डेटा ऐसा नहीं है कि वहां महिला अपराध रुक रहे हैं या कम हो रहे हैं। जी सर, अगर हम राजनीति में देखें तो सर, जी सर मैं मानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी है जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं वो साइबर, अभी जो नेट का यूज ज्यादा किया जा रहा है तो साइबर क्राइम इसमें एक रीजन हो सकता है, उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहे हैं। सेकंड ये सर कि जो महिलाएं उच्च पदों पर पहुंच रही हैं तो उनसे उम्मीदें ज्यादा रखी जाती हैं कि वो जैसे कि अभी राष्ट्रपति जी बनी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन उतना प्रयास नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में, और उम्मीदों के कंपेयर में उतना नहीं हो पाया है, तो एक पॉइंट ये भी है। और अगर सर देखें तो पॉजिटिव इसमें ये है सर कि जो पिछली बार हमारी लोकसभा थी 16वीं, उसमें 12% महिलाओं का प्रतिशत था, जबकि सर इसमें 14% है। तो सर ये इसमें पॉजिटिव भी है कि महिला आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। ओके, चलिए। अच्छा ये बताइए, हमारे संविधान में महिला आरक्षण के लिए कहाँ कहाँ प्रावधान? जी सर, अभी सर कैट में, सॉरी संविधान के लिए बोला है जी सर, संविधान में एक तो, सॉरी सर कुछ टाइम मैं लेना चाहूंगी जी सर। मैं पंचायती राज जो संविधान संशोधन हुआ है अधिनियम है, उसमें सर महिलाओं के लिए राजस्थान की बात की जाए तो सर 50% है, और कई राज्यों में सर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और सर शैक्षणिक संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया हुआ है सर, और सर अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ। अच्छा, आरटी के लिए याद नहीं है आपको? जी सर, आरटी के लिए याद नहीं है, महिला आरक्षण से जुड़े हुए। मैंने कहा महिला आरक्षण से जुड़े हुए जो संविधान में अनुच्छेद है वो याद नहीं है आपको? जी सर, संविधान में अनुच्छेद है सर आर्टिकल 50 का, हम देख सकते हैं कि उसमें दिया हुआ है 15 का कि उसमें ये कि लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा महिला पुरुष इस बेसिस पे, और सर उसमें ये भी बोला गया कि समान, अगर पुरुष और महिला को समान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए समान वेतन भी दिया जाएगा, और सर नीति निर्देशक तत्वों में भी ये चीज बोली गई है कि जी सर
चले कोई बात नहीं। तरुण गोगोई का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है। कौन है ये? जी सर असम के पूर्व सी है। क्यों न्यूज़मैन है? जी सर इनका निधन हो गया। ओके ठीक है। हमारे देश का सीएजी कौन है अभी इस समय? सीएजी सर अरविंद बोबड़े जी। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वन मिनट सर, सॉरी सर, सर याद है अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा चलिए लास्ट एक प्रश्न जी, लास्ट एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप मुझे कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? जी सर, सर जैसा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो मैंने बचपन से ही ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा है, खेती है, पेयजल है, तो उनको मैंने देखा है, उनके साथ पली बड़ी हूँ। तो मैंने समय के साथ देखा आगे बढ़ते हुए कि इन समस्याओं का समाधान है जो सिविल सर्वेंट के रूप में मैं कर पाऊंगी। सर सेकंड मेरा जो इसमें आने का रीजन ये है सर कि जो ये जॉब है एज ए सिविल सर्वेंट वो सर इसमें चैलेंज है, वैरायटी है, अधिक लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट ज्यादा है, सोशल प्रेस्टीज ज्यादा है सर, और समाज में इसको एक श्रेष्ठ जॉब के रूप में सर देखा जाता है, तो इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आना चाहूंगा। ओके ठीक है, वेरी गुड। ललित सर जी, उपाध्याय सर समीक्षा करें। सुन रही हैं? जी सर। हाँ ज्योति, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप में कुछ पॉजिटिविटी भी नजर आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लेवल कम लग रहा है, और कुछ सामान्य ज्ञान और समसामयिकी करंट इश्यूज के बारे में थोड़ा आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। इतिहास की जानकारी, इतिहास में एमए होने के बाद भी आपको थोड़ी कम है, एक बार इतिहास को सरसरी दृष्टि से पढ़ लें। महिला आरक्षण के बारे में और कई सवाल आपसे पूछे गए, उस समय आप क्लियर नहीं है अपने आप में, और आपके उत्तर सीमित हों, टू द पॉइंट हों, जितना पूछा जाए उतना ही आवश्यक जवाब दें, इससे ज्यादा नहीं बोलें। ठीक है, शब्द चयन आपका ठीक है, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा है, इन बातों का ध्यान रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, अतुल जी। जी ज्योति जी, ओवरऑल अच्छा है, जो सर ने बताया बस थोड़ा सा वो काम कर लीजिए, ओवरऑल ठीक है आपका। कई सारे प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, अनुसुईया ओई के या बेबी रानी मौर्य आप जान रही हैं इन सब के बारे में, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन हाँ, महिला आरक्षण वगैरह वो आप सही तरीके से नहीं बता पाए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, वो आपके जवाब ठीक नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा और अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाएं, ओवरऑल आपका अच्छा है, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा आपका। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। राजेश सर जी, करंट अफेयर्स में थोड़ी आपको जानकारी कम है, एक तो मसूद अजहर का भी हाल ही में आया है न्यूज़पेपर में कि उनका क्या रोल रहा है आतंकवादी हमले में, और निवार क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात है, ये दो आंसर आपके नहीं थे, बाकी सारे उत्तर सही है आपके, शुभकामनाएं। जी ज्योति जी, थोड़ा सा क्षेत्रीय ज्ञान में आपके क्षेत्र का भरतपुर का ज्ञान और बढ़ाएं, और इसमें आप जवाब नहीं दे पाए हैं तो जो कम से कम मेंस का जो एथिक्स, पब्लिक एड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो रहा है जैसे अनुच्छेद वगैरह आप नहीं बता पाए हो तो वो आपको तैयार करना है। इतिहास का भी कुछ ज्ञान आपको अच्छा करने की, मेनली आधुनिक भारत तो बहुत ही अच्छा करना चाहिए, ओवरऑल बढ़िया है, काफी अच्छा किया ओवरऑल, पर फिर भी थोड़ा व्यक्तित्व पक्ष बढ़िया है, ज्ञान पक्ष थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसको और अच्छा कर दीजिए। जी सर, अध्ययन को बढ़ाएं थोड़ा, 8-10 घंटे पढ़े आप, डेट भी आ चुकी। जी सर, नेक्स्ट टाइम से अच्छा हो। ओके सर, बिल्कुल, ओके, ऑल द बेस्ट। जी सर।